हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। चलो दोस्तों, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे सिंस और फॉर। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं, फॉर का प्रयोग कब करते हैं। तो कभी आप नहीं बोलेंगे, केवल एक वीडियो की बात है दोस्तों, तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप कॉपी पेन नहीं निकाल के बैठे तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइएगा, और सिंस और फॉर का थोड़े से रूल है वो आपको बता देंगे, और एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी पेपर में कभी भी नहीं गलत होगा। ठीक है, कमेंट में कोई डाउट हो तो पूछ लें। चलो सिंस और फॉर को आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। चलो भाई, तो लास्ट मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पे लिए, तो आप लोग बताना यहाँ पे सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा इसके पहले। ठीक है, तो वो बाद में पूछेंगे, पहले आप लोग यहाँ पे डिटेल से समझ लो। देखो, सबसे पहली बात क्या होती है कि सिंस और फॉर का एक रूल आप लोग सबको पता होगा, बचपन से पढ़ा होगा। सिंस का प्रयोग तब करते हैं जब निश्चित समय को, ठीक है, निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ये कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक, कभी आप लोग दिक्कत नहीं होगा। और ये है कि जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो उसमें भी आपका सिंस का प्रयोग करते हैं। आपको आपको यहाँ पर प्रूफ भी एग्जाम्पल सहित दिखाएंगे। सबसे पहला डाउट यहाँ पे ये था कि निश्चित समय क्या होता है। जैसे कि आप लोगों देखो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि कोई अगर फिक्स डेट दी जाए, दे दी जाए कि 15 अगस्त 1947, मतलब तो आपका शुक्रवार था। ठीक है, आप कोडिंग से भी निकाल सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलो अब ये कि ये होता है, देखो निश्चित, देखो जैसे कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी डे, किसी डेट, किसी मंथ, किसी ईयर, किसी सीजन में करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये पहले बताया कि निश्चित समय में करते हैं, तो निश्चित समय मतलब कि 15 अगस्त कोई तारीख है निश्चित है, तो उस दिन आपका सिंस का प्रयोग करेंगे, कोई फिक्स चीज़ में लग करते हैं। और दूसरा डाउट आप लोगों का ये था, यहाँ पे दूसरा डाउट आप लोग यहाँ पे खुद देख लीजिए। दूसरा डाउट है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि देखो ये दिन कहाँ से स्टार्ट होता है, संडे से मंडे से सैटरडे तक लगभग। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये संडे मंडे है उसमें लगेगा आपका सिंस। डेट जैसे कोई भी दी जाए, कोई भी डेट हो तो उसमें लगेगा आपका सिंस। और मंथ में लगेगा, ईयर में जैसे कि कोई भी ईयर दी जाए, 2020 2000, मान लीजिए मैं जैसे 2020 में किसी का बर्थडे हुआ, ठीक है, तो ये तो चीज़ फिक्स है कि 2020 में हुआ। और जैसे कि मान लीजिए 15 जुलाई को हुआ, 15 जुलाई 2020 को, ये चीज़ फिक्स है, डेट और ईयर में आपका फिक्स चीज़ है, तो आपका सिंस का प्रयोग करते हैं। आप चीज़ ये याद कर लीजिएगा। देखो धीरे धीरे सब आ जाएगा, अभी शुरुआत में कम समझ में आएगा। और सीजन जैसे कि समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग, तो ये जो जो आपके जो सीज़न होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका सेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जीवन की अवस्था बताने के लिए, जैसे चाइल्डहुड, ठीक है, ये सब एज, तो ये सब जो एज बताते हैं जो जीवन की अवस्था को, तो इसमें भी सेंस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग थोड़ा अच्छी तरह समझ लो, डे में कोई भी दिन दिया हो, कोई भी दिन, डेट कोई भी दी गई हो, मंथ, देखो एग्जाम्पल बताएंगे तो आप लोगों को सब अपने मन से आप लोग खुद बताएंगे। ठीक है, बताना कितने सही किया आप लोगों ने, डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन में करते हैं। अब देखो पार्ट ऑफ ए डे, ठीक है, किसी का मतलब कोई भी मतलब ये दिया होगा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ठीक है, तो ये सब आपकी फिक्स होते हैं। नाइट, नाइट होता है, आफ्टरनून और इवनिंग, मॉर्निंग, आपका इससे पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो तो जैसे कि यहाँ पे डे, डेट लिखा था साहब सब, तो वही होता है। ठीक है, चलो जैसे जीवन की अवस्था, जैसे चाइल्डहुड, एडल्टनेस, तो उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और लिख लो कॉपी में, जैसे कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी घटना हो, या कोई भी फेस्टिवल हो, ठीक है, तो उससे पहले आपका सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि दिवाली, होली, ठीक है, इनसे पहले आपका सेंस का प्रयोग करेंगे। या आपको क्योंकि दिवाली क्या है, त्यौहार है आपका, त्यौहार से पहले लगता है, होली भी त्यौहार, तो इससे पहले आपका सेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई भी इवेंट या कोई भी घटना हो, जैसे कि मतलब घटना मतलब ये नहीं कि आपका, जैसे कि मान लीजिए किसी दिन बर्थडे हुआ, तो ये आपका ये कह सकते कि इस दिन, हाँ ये कह सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, सिंस वी गॉट फ्रीडम, ठीक है, हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, सिंस लगेगा क्योंकि ये इवेंट है, घटना एक प्रकार से, ठीक है, तो उसको घटना भी कह सकते हो या फिर मेन कोई डेट भी कह सकते हो। देखो सिंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए। सिंस का प्रयोग निश्चित समय में करते हैं, और डे, डेट, मंथ, ये सब में करते हैं, आप लोगों को ये बता दिया। और यहाँ पे जीवन की अवस्था बताने में, और आपका ये कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून में भी करते हैं, और ये आपका क्या है कि इवेंट कोई भी घटना हो या कोई भी फेस्टिवल हो, उससे पहले आपका सिंस का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग कॉपी पेन उठाइए, फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसको भी ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, एक वीडियो की बात है तो पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो तो टू सो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि आपका ये कि जब देखो लॉन्ग टाइम या मैनी ईयर्स या मैनी डेज, अब ये आप समझिएगा, फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय में, इसको कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, चलो टाइम मतलब कितने साल हो गए पता नहीं, मैनी डे कितने दिन हो गए, कोई फिक्स डेट तो है नहीं, 5 दिन केवल फिक्स तो है नहीं, ठीक है, तो आपका ये कि आपका फिक्स है नहीं, अनिश्चित है, तो इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। और फॉर ये कि फॉर का प्रयोग आपको न्यूमेरिकल, जैसे कि होता है न्यूमेरल नंबर पे करते हैं, जैसे संख्यावाची, जैसे कि लिखा है फॉर 2 आवर्स पढ़ा होगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, जैसे कि संख्यावाची होता है तो उसमें आपका जैसे कि अगर 2 ऐसे भी लिखा तो भी फॉर ही लगेगा। ठीक है, चलो फॉर लगता है, जैसे कि आप दे सकते हो फॉर 10 ईयर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 मंथ, ठीक है,
और कैलकुलेटर चीज़ में भी लगता है, ये भी तो आपको संख्या होती है, ये संख्या नहीं होती क्या आपकी, संख्या जैसे डिजिट टाइप का, हाँ डिजिट टाइप की जो चीज़ें होती है उसमें फॉर लगता है, ठीक है ऐसे आपको बता दिया। हाँ आपको ये इसमें डाउट था तो आप लोग बता दे रहे हैं, लास्ट वीक और लास्ट मंथ लास्ट सीजन, मतलब जैसे जैसे कि आज है मान लीजिए, आज मान लीजिए 25 तारीख है, तो हम कहेंगे इसके लास्ट वीक मेरा बर्थडे था, लास्ट वीक मतलब जस्ट कि ये यही कि लास्ट वीक में बर्थडे था, मतलब इसके एक साल सॉरी इसके एक हफ्ता पहले या एक सप्ताह पहले ही आपका बर्थडे था, मतलब ये फिक्स चीज़ है कि एक सप्ताह ही पहले बर्थडे था। अगर मंथ आपको ईयर ये सब बताए तो उसमें सिंस लगता है, ठीक है तो सिंस लगेगा। और ये मंडे है, ठीक है मंडे मतलब सोमवार, मेरा बर्थडे मान लीजिए सोमवार को है, ठीक है तो ये चीज़ आपकी फिक्स है, मतलब मंडे केवल मंडे मंडे मतलब सोमवार केवल एक दिन है आपका फिक्स है, मतलब बताया भी था आपको डे में केवल सेंस लगता है, तो यहाँ पे सेंस लगेगा। अब ये क्या मंडेस है, ठीक है तो यहाँ पे आपका फॉर्म बनेगा, ठीक है मान लीजिए आपसे मैंने कह दिया कि आपको मैं मंडे को पढ़ाऊँगा, ठीक है लेकिन मैंने इस मंडे को नहीं पढ़ाया, अगले मंडे को भी नहीं पढ़ाया, अब फिर अगले के अगले मंडे को पढ़ाया, तो ये चीज़ होगा मैंने आपको बहुत दिनों बाद मंडे से पढ़ाया, काफ़ी मंडेस चले गए, ठीक है तो आप लोग समझ गए होंगे ये अनगिनत हो गए, इनकी कोई काउंटिंग नहीं कर सकते, मतलब अनिश्चित समय हो गया तो फॉर लग गया, आप चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बताया था आपको फॉर आवर्स, घंटे में फॉर 2 आवर्स तो फॉर हो जाएगा, ठीक है यहाँ टू लगा लीजिएगा, ठीक फॉर आवर्स भी कह सकते हैं, घंटे के लिए भी आपका आवर्स लगता है। और द लास्ट वीक फॉर, अब द इसमें क्यों लगा इसका रीज़न आपको बताते हैं, फिर से बता दें आप लोगों को डाउट था, द लास्ट वीक मतलब ये होता है आप लोगों ने सुना होगा पुअर माने गरीब होता है, द पुअर माने होते जितने भी गरीब, द लास्ट वीक मतलब होते जितने भी आपके लास्ट सप्ताह हैं, तो ये अनगिनत है किस ये मतलब अनगिनत है कोई क्लियर नहीं है आपकी, ठीक है मान लीजिए मेरे द लास्ट वीक में आपका मेरा बर्थडे, तो आप बता नहीं पाएंगे कौन से लास्ट वीक में मेरा बर्थडे है, हफ्ता में एक मतलब कि एक महीना में 4 आपके हफ्ता होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं माने चलिए, ठीक 728 होता है क्योंकि, ठीक है तो आप बता नहीं सकते कि कौन से लास्ट वीक में मेरा बर्थडे पड़ेगा, ठीक है तो आप लोगों को ये उदाहरण लेके मैंने बर्थडे वाला उदाहरण इसलिए लिया जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है आप लोगों को समझ में आए इसीलिए मैं आपको ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है बात करते हैं लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब यही आपका पिछला जो वीक है वही, तो आपका फिक्स है तो सिंस लगेगा, लेकिन द लास्ट लग जाए तो मतलब जितने भी आपके पिछले हफ्ता हैं, ठीक है वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो चलो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, शॉर्टकट में बता दे रहे सिंस का निश्चित समय में होता है और फॉर का अनिश्चित में होता है, अनिश्चित मतलब ये कि फॉर के ऊपर डिजिट वाली संख्या में कर सकते हैं ठीक है उस सेंस का आपका डे मंथ ईयर ये सब में करते हैं, ठीक है कोई भी अगर सीजन दिया हो मतलब समर विंटर स्प्रिंग ऑटम ये दिया तो उसमें करते हैं, ठीक है आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है चलो भाई तो दिक्कत वाला, हाँ जैसे कि ये भी कि मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट इसमें भी सेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है और ये सब जैसे कि जीवन की अवस्था बताने में सेंस का उपयोग करते हैं, अब कोई इवेंट हो कोई आपका त्यौहार हो जैसे कि ठीक है होली दिवाली कोई भी त्यौहार उससे पहले सेंस लगेगा, ठीक है चलो भाई कोई भी डेट फिक्स हो जैसे 15 को 1947 को जैसे देश आज़ादी हुआ था तो वहाँ पे सेंस लगेगा, ठीक है और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, और 6 में आपका कितना स्कोर आया प्लीज़ बताइएगा, ठीक है केवल एक ही वीडियो काफ़ी सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।